हे गाइस, माय नेम इज सतीश और आप देख रहे हो सैट जोमैक अनबॉक्स। तो आज हम करेंगे एक और ओप्पो के लेटेस्ट डिवाइस की अनबॉक्सिंग, जो कि ओप्पो का A1K, जिसे कंपनी ने लॉन्च कर दिया 8,500 रुपये के अंदर ऑफलाइन मार्केट में। तो देख लीजिए कुछ तरीके से आपको जो डिज़ाइन मिल जाता है, वाटर नॉच डिस्प्ले वाला डिज़ाइन मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर भी। पीछे की तरफ सिंगल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। बॉक्स पर जैसे आपको दिखा रखा है, पीछे बॉक्स में देखोगे तो यहाँ पर 15.5 सेंटीमीटर की स्क्रीन है, जो कि आपको 6.1 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। इसके अंदर IPS LCD वाली 4000mAh की बैटरी है, 32GB रोम वाला वेरिएंट है, कलर OS 6 है इसमें। यहाँ पर देख लीजिए जो हमारे पास कलर है वो रेड कलर का है, 2GB और 32GB रोम वाला वेरिएंट है। बॉटम साइड में आप देखोगे बॉक्स के, तो यहाँ पर आपको प्राइस मेंशन कर रखा है 10,990 रुपये, लेकिन ये आपको 8,500 रुपये मिल जाएगा 2GB वाला वेरिएंट। बैक कैमरा इसका जो है 8 मेगापिक्सल का है, फ्रंट 5 मेगापिक्सल का है, 6.1 इंच की स्क्रीन है, IPS LCD वाली, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए जल्दी से अपने सील कट करते हैं और खोलते हैं अपने बॉक्स को और देखते हैं अपने डिवाइस की क्वालिटी। तो मैं जल्दी से कट कर लेता हूं इसको। तो बॉक्स खोलते ही एक और छोटा सा बॉक्स दिख जाता है हमको ऊपर की तरफ रखा हुआ, तो चलिए इसे भी निकालते हैं। तो देख सकते हैं इसके अंदर हमें पता है क्या होने वाला है, तो इसे भी खोलते हैं चलिए। तो इसके साथ हमें एक सिम जंक्शन पिन दिख जाती है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि सिम ट्रे निकालेंगे हम इससे। उसी के साथ यहाँ पर आपको TPU कवर मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट वाला वाइट कलर में ही। और यहाँ पर ओप्पो की तरफ से कुछ पेपर वर्क दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए इन्हें साइड में रखते हैं, आते हैं अपने डिवाइस की तरफ। तो कुछ इस तरीके से हमें डिवाइस मिल जाता है, देख लीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है। तो चलिए अभी के लिए इसे रख लेते हैं साइड में, देखेंगे बाद में, देख लेते हैं बॉक्स के अंदर और कंटेंट हमें क्या देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी के साथ हमें एक वॉल चार्जर मिल जाता है, जो कि नॉर्मली है वॉल चार्जर, जैसे कि ओप्पो के फ़ोन्स में हमें देखते हुए आ रहे हैं। तो इसका जो आउटपुट रेटिंग आपको मिलती है 5W 2A का है, तो कुछ इस तरीके से देख लीजिए, वाइट कलर में ही दिया है इसमें भी। और इसी के साथ आपको जो केबल मिलती है, चलिए केबल भी देख लेते हैं कौन सी इसके अंदर मिल जाती है हमें। तो इसमें हमें माइक्रो टू माइक्रो USB की केबल मिलती है, टाइप सी नहीं मिलती। तो चलिए आते अपने डिवाइस की तरफ। तो कुछ तरीके से आपको डिवाइस मिलता है रेड कलर में, तो चलिए निकालते हैं इसको प्रोटेक्टिव कवर से बाहर। तो वाओ यार, नाइस, क्वालिटी वाइज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। देख लीजिए रेड कलर का है, मैट कलर में दिया हुआ है कंपनी ने, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग दी हुई है। और देख लीजिए आपको सामने की तरफ 6.1 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है। तो चलिए बूट करते करते इसको एक फिज़िकल ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। तो जैसे कि आप देख सकते हो 6.1 इंच की आपको इसके अंदर LCD डिस्प्ले मिल जाती है HD+। उसके साथ यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है वाटर नॉच डिस्प्ले के अंदर, एयर पीस भी ऊपर की तरफ दिया हुआ है। और बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर सिंगल कैमरा मिल जाता है आपको 8 मेगापिक्सल का, उसी के साथ सिंगल LED फ्लैश मिल जाती है। यहाँ पर ओप्पो की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पर कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता आपको, बस इसमें आपको फेस अनलॉक मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको एक पावर बटन दिया हुआ है, सिंगल पावर बटन। उसी के साथ राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स के साथ सिम ट्रे दी हुई है। तो चलिए सिम ट्रे को खोलते हैं, देख लेते हैं किस तरीके की सिम ट्रे दी हुई है इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हो उसमें तीनों स्लॉट दिए हुए हैं, आप तीनों अपने सिम, दो सिम के साथ एक मेमोरी SD कार्ड लगा सकते हो 256GB तक का। तो देख लीजिए ऊपर की तरफ आपको कुछ ज़्यादा कुछ दिए नहीं दिया, सिंपल दिया हुआ है। फ़ोन के बॉटम साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दिख जाती है, चार्जिंग पॉइंट दिख जाता है, माइक दिख जाता है और 3.5mm का जैक, हेडफोन जैक दिख जाता है। तो जो आपकी पोजीशन नीचे की तरफ दी हुई है, तो जल्दी से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उनको। तो चलिए फेस को लगाते हैं हम अपने, क्योंकि फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है इसमें, तो फेस को ही लगाएंगे हम। तो चलिए चेक कर लेते हैं, तो काफ़ी जल्दी इसने ऐड कर दिया मेरा फेस, और मैं जल्दी सेटअप कर लेता हूँ फ़ोन को। तो फाइनली मैंने सेटअप कर लिया है फ़ोन को। तो देख लीजिए कुछ तरीके से आपको स्क्रीन मिलती है, ब्राइटनेस मैं एक बार फुल कर देता हूँ। तो ब्राइटनेस भी आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस दी हुई है कंपनी ने इसके अंदर। और यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, देखिए कुछ अलग सा ही दिया हुआ है, थीम अलग से चेंज करी हुई इन्होंने। तो इसके अंदर जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है वो एंड्रॉयड पाई मिल जाता है 9। और देख लीजिए साइड एंगल से भी स्क्रीन आपको काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस। और जो बेजल्स है वो थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, देख लीजिए थोड़े से ज़्यादा दिए हुए हैं, लेकिन ठीक है 8,500 रुपये का फ़ोन है, तो ज़्यादा एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हम। तो क्वालिटी वाइज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोन का डिज़ाइन, और कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैट कलर में दिया हुआ है आपकी बार कंपनी ने रेड कलर। तो चलिए मैं आपको सेटिंग वगैरह में दिखा देता हूँ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने बता दिया एंड्रॉयड पाई मिल जाता है इसके अंदर। उसी के साथ मैं आपको स्टोरेज वगैरह चेक कराता हूँ। तो देख लीजिए इसके अंदर 32GB में से आपको 19GB अवेलेबल मिल जाती है, तो आपको एक मेमोरी SD कार्ड लगाना पड़ेगा इसके अंदर अगर आपको स्टोरेज बढ़ानी है फ़ोन की। तो उसी का देख लीजिए फेस अनलॉक भी देख लेते हैं। तो फेस अनलॉक देख लीजिए, एक बार स्वाइप अप करना पड़ेगा, तो मैं एक बार सेटिंग में जाकर इसे चेंज कर देता हूँ, डायरेक्ट खोलेंगे हम इसको।
तो मैंने चेंज कर दिया है। तो देख लीजिए, आप फेस पे आप लाते ही आपका ऑटोमेटिकली डिवाइस ऑन हो जाता है। तो देख लीजिए, काफ़ी फास्ट है, काफ़ी एक्यूरेट काम कर रहा है इसका फेस अनलॉक। साइड देख लीजिए, मैं साइड देख रहा हूँ फिर भी एकदम से जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है मेरे फेस को ये, तो काफ़ी जल्दी से खोल रहा है, काफ़ी फास्ट है गाइस। यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है फ़ोन का, और देख लीजिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी है कंपनी ने। 6.1 इंच की फुल HD तो स्क्रीन नहीं मिलती आपको इसके अंदर, HD प्लस स्क्रीन मिल जाती है। कलर्स काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, देख लीजिए कलर काफ़ी मैट रेड कलर दिया हुआ है, और जो कैमरा बम्प है थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, इसके लिए आपको कवर लगाना पड़ेगा क्योंकि आपके कैमरे के लेंस पर ज़्यादा स्क्रैच ना आए, नहीं तो फोटो वगैरह आपकी ख़राब हो सकती है, तो उसके लिए आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कवर लगा रहा हूँ, काफ़ी टाइट कवर है गाइस ये, क्योंकि नया नया है तो काफ़ी टाइट रहता है स्टार्टिंग में। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छे तरीके से इसने होल्ड कर लिया अपने हमारे फ़ोन को, और कैमरा बम्प भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं दिख रहा, आप रख सकते हो, आप कोई कैमरे पर दिक्कत नहीं होगी इस टाइम। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी में लग रहा है, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी लग रही है, फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है फ़ोन का, देखते इंस्टेंट खुल जाता है। तो कैमरा आते हैं, चलिए कैमरा चेक कर लेते हैं इसका। तो सामने का कैमरा इसके अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, तो चलिए मैं पिक्चर क्लिक करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको इंडोर में फ़ोटोज़ मिल जाती है, ये देख लीजिए कुछ और फोटोज़ में क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद इसमें फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ फ़ोटोज़ मैंने इसके फ्रंट कैमरे से क्लिक किए, देख लीजिए आप, तो डिटेलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है कैमरे में। तो और ये बैक कैमरे की फ़ोटोज़ है, हमारे ओप्पो स्टोर की कैमरे की फ़ोटोज़ है, देख लीजिए, आई मीन ओप्पो स्टोर की फ़ोटोज़ है इंडोर की, तो आप देख सकते हो। ये बुक्स में से मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किया गाइस, अभी कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो ऐसे ही मैंने रैंडमली आपके लिए खींच दिया है। देख लीजिए कीबोर्ड की फ़ोटो, देख लीजिए काफ़ी शार्प है गाइस, ऐसा नहीं है, कैमरे क्वालिटी काफ़ी अच्छी दे रहा है आजकल ओप्पो, काफ़ी अच्छी लगेगी आपको कैमरे अगर आप पिक्चर खींचोगे आउटडोर में, तो शार्पनेस वगैरह क्लैरिटी काफ़ी अच्छी देगा, पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ आजकल कैमरे आ रहे हैं फ़ोन्स के अंदर, और फ़ोटोज़ भी काफ़ी अच्छी क्लिक करते हैं ये। तो देख लीजिए काफ़ी अच्छा लगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा फ़ोन 8,500 रुपये में कंपनी ने लॉन्च किया है। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस, और लाइक करना अगर वीडियो आपको अच्छी लगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।